हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर मैंने दो न्यू फिशेस लाया था। तो वो दो फिशेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मुझे बहुत पसंद भी आई थी, पर मुझे ऑरेंज वाली जो थी वो मेरी फेवरेट थी। तो गाइस, शुरू में 2 वीक्स तो वो बिल्कुल सही रही, फीडिंग भी अच्छे से ली तो और स्विंग भी अच्छे से करी थी। लेकिन इस वीक में आके जो ऑरेंज वाली फिश थी जो मेरी फेवरेट थी, क्योंकि उसके जो फिन थे वो ब्लैक ब्लैक थे, वो बीमार हो गई, उसको फंगस लग गया। तो आज की वीडियो में आज हम उसको सॉल्ट बाथ देने वाले हैं। तो चले शुरू करते हैं अपनी वीडियो। गाइस, सॉल्ट बाथ देने के लिए फिश को हमें चाहिए नीम गर्म पानी, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मतलब कि बीच वाला जो पानी होता है नॉर्मल पानी वो चाहिए। ये मैंने आधी बाल्टी ले लिया है और इसके अंदर आप डालेंगे 2 चुटकी लाहौरी नमक। 1-2 तो गाइस, अभी आप लोग देख रहे होंगे ग्राम ट्रिप्स के पार्ट, आई थिंक सो 3 या 4 पार्ट होगा, आप लोग देखा होगा लास्ट। तो अभी मैं अगले पार्ट का पहले से ही बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दूंगा कि मैं अपनी पप्पू के घर गया था, तो वहाँ पर मेरा जो फिशिंग का सामान था जिसमें नेट भी था, तो वो मैं वहीं पर भूल आया। पता नहीं क्यों मैं भूल आया, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्यों भूल के आया उधर। तो चलो खैर है, वो तो आ जाएगा, हमारी पप्पू हैं तो वो भेज देंगी। तो अभी हमें फिश को अपने हाथों से ही पकड़ना पड़ेगा, तो यूं तो करना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। चलें गाइस, इस फिश को निकालते हैं। इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये जा चुकी है, बस हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो गाइस, अब इसको यहाँ पर 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। हो चुके हैं, तो चलें फिश को टैंक में डालते हैं। तो गाइस, ये रही फिश, चलें इसको पकड़ते हैं और इसको टैंक में डालते हैं। अब मुझे थोड़ी सी एक्टिव लग रही है इसके बाद, क्योंकि ये अब थोड़ी सी एक्टिव हो गई है पहले से। ओके, तो इसको मैंने छोड़ दिया है, तो थोड़ी सी एक्टिव लग रही है। तो अब इस टैंक के अंदर भी सॉल्ट डालना है। गाइस, ये रहा सॉल्ट, तो चलें डालते हैं इस टैंक के अंदर। तो इधर तो गपी से इसके पास नहीं डालना, इनके पास डालना है। तो वो फिश देखें फिर से बैठ गई, तो सॉल्ट डालते हैं। ओ, उसके ऊपर जा सॉल्ट लगा, सारा सॉल्ट उसके ऊपर जा गिरा। तो अब मुझे लगता है ग्रिल भी अपने हिला रही है, पहले अपने ग्रिल्स भी नहीं हिला रही थी, तो अब थोड़ी सी बेहतरी मुझे लग रहा है। और वो फंगस, ओए फंगस भी टूट गया, इस फंगस भी बहुत कम हो चुका है।